नमस्कार। एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूरी एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतवर्ष एक युवा देश है और आबादी का बेशतर हिस्सा युवा है। रियासत जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहां पर आबादी का बेशतर हिस्सा युवा है, युवा राज्य हमारी है, और ऐसे में युवाओं की ऊर्जा को एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए स्पोर्ट्स और गेम्स एक बहुत ही अहम भूमिका अदा करते हैं। और खासकर कश्मीर संभाग की अगर बात करें, जहां पर ज़्यादातर युवा पत्थरबाजी में लिप्त हैं, अगर उनकी ऊर्जा को और भी बेहतर तरीके से चैनलाइज किया जा सके तो निश्चित तौर पर यहां पर मेडल ज़रूर आएंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि रियासत जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स के हवाले से युवाओं में प्रतिभा, टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है, और समय के साथ साथ निरंतर तरीके से रियासत जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स पर्सन न केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल एरिना में अपनी छाप छोड़ते नज़र आ रहे हैं। पिछले कुछ समय से लगातार रियासत जम्मू कश्मीर के जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जिसमें मेल्स हैं, फीमेल्स भी हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि नए नए पैरामीटर स्थापित किए जा सकें, और ऐसे में न केवल यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स बल्कि स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं। वो प्रयास किस दिशा में सार्थक सिद्ध हो रहे हैं, और खासकर 31 अक्टूबर के बाद जब रियासत जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन की औपचारिक तिथि हो जाएगी, रियासत जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन एक यूटी की शेप में आएगा, तब जो बैरियर्स थे, जो चुनौतियां यहां पर थी, क्या उन चुनौतियों को पार कर पे रियासत जम्मू कश्मीर के युवाओं को बेहतर मौके मिल पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, कुछ दिन पहले राष्ट्रीय स्पोर्ट्स दिवस मनाया गया, रियासत जम्मू कश्मीर में उस दिवस की इतनी चमक नजर नहीं आई, उसके पीछे क्या कारण है, यही आज की सीधी बात है। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है, जिनका तारुफ, जिनका परिचय आप सबसे करा दूं। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर श्री के एस जमवाल साहब बैठे हैं। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं जे एंड के ओलंपिक एसोसिएशन, इसके अलावा आप प्रेसिडेंट हैं जे एंड के राइफल एसोसिएशन, और एक वेटरन रणजी के प्लेयर रहे हैं। यूं कहिए कि स्पोर्ट्स इनकी नसों में बहता है। इनके बिल्कुल साथ में बैठे हैं श्री कुलदीप हंडू जी। आप नेशनल चीफ कोच हैं वुशु के, और न केवल एक बेहतरीन स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं बल्कि अब राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, एक दिशा निर्देश दे रहे हैं। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर सर्वप्रथम श्री सुरेंद्र सिंह बंटी जी बैठे हैं। आप भी एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आप ट्रेजरर हैं ऑल जे एंड के फुटबॉल एसोसिएशन के, और पिछले कई सालों से प्रयास रहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो खेल प्रतिभाएं हैं उनको सामने लाया जा सके। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं श्री अतुल पंगोत्रा जी। आप जाने माने स्पोर्ट्स पर्सन हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी दाग जमा चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय आप नेशनल चेयरमैन रेफरी हैं ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के, उसके अलावा अभी हाल ही में 2020 में जो जापान में टोक्यो में पैरालंपिक्स होने जा रही है उसके लिए भारतवर्ष से दो प्लेयर्स का, दो रेफरीज का चयन किया गया, उनमें से इनका नाम है, और अभी हाल ही में जॉर्डन, उज्बेकिस्तान, ताशकंद, चाइना से वापस आए। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। जमाल साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, 5 अगस्त के बाद रियासत जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 हटाई गई, पुनर्गठन की घोषणा की गई, लेकिन उसी कड़ी में टैलेंट की कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। स्पोर्ट्स सिनेरियो की अगर बात करें, कुछ दिन पहले नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया गया, क्या कहेंगे रियासत जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स खेल किस दिशा में जा रहे हैं? विवेक जी, आपका जो सवाल है बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि सारे भारतवर्ष में नेशनल स्पोर्ट्स डे को मनाया गया और हमारे रियासत में ये इस दिन का पता ही नहीं चला लोगों को कि नेशनल स्पोर्ट्स डे भी कोई डे होता है। और मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी जे एंड के स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल और डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, इनका बड़ा हाथ होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने कोई ना कोई कोई एग्जीबिशन मैच या कुछ ऐसा रखना चाहिए था जिससे एक ऐसा इम्प्रेशन जाए कि जे एंड के स्टेट में भी स्पोर्ट्स में नेशनल इवेंट्स को बड़े सीरियसली लेते हैं। बहरहाल ये नहीं हुआ और ये इवेंट पास ऑफ हुआ। ये जो डे है, मेजर ध्यानचंद जी जो विजिट थे हॉकी के, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को कन्वर्ट किया गया है इन नेशनल स्पोर्ट्स डे।
अब आप कह रहे हैं कि जो 5 अगस्त के बाद जो हालात बने हैं और हमारी जो J&K एक यूटी बन गई है और लद्दाख एक यूटी अक्टूबर 31 के बाद बन जाएगी, मैं समझता हूं कि इसमें हमारे J&K और लद्दाख के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। वो इस तरह कि बड़े बड़े टाइकून्स जो भारतवर्ष से J&K स्टेट में आ रहे हैं, एज़ पर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा, लाइक अंबानीज, बिरलाज, टाटाज, सो अंडर द सोशल CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी दे विल हेल्प द स्पोर्ट्स पर्सन इन J&K स्टेट। जब बड़े बड़े ग्रुप्स आएंगे तो ऑब्वियसली उनकी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गिव फ्लिप टू स्पोर्ट्स एक्टिविटी इन J&K, क्योंकि हम बहुत ही पीछे रह गए, इस बहुत ही पीछे। आप हैरान होंगे कि अभी तक हमारी J&K स्टेट की स्पोर्ट्स पॉलिसी ही नहीं है, फॉर द लास्ट 5-6 ईयर्स बना रहे और अभी तक पॉलिसी। एक नंबर दो, जो हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल हैं वो और डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विस इन स्पोर्ट्स हैं जो स्पोर्ट्स को डील करते हैं, वो दोनों बेचारे डॉक्टर्स हैं। सो आई फील कि सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल शुड बी अ स्पोर्ट्स पर्सन हैविंग सम नॉलेज अबाउट स्पोर्ट्स, एंड द डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट यूथ सर्विसेज शुड बी अ स्पोर्ट्स पर्सन अगेन। इफ नॉट, ही इज नॉट अ स्पोर्ट्स पर्सन बीइंग अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो कोई आदमी जिसको स्पोर्ट्स की तरफ इंटरेस्ट हो। तो ये सारी चीज़ें को मद्देनजर रखते हुए टैलेंट हमारे जो J&K स्टेट में है वो कम नहीं है। इस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, कोचेज अच्छे नहीं है हमारे पास। तो जब तक कोचेज अच्छे नहीं होंगे तो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन किस तरह उनको टेक्निकल ट्रेनिंग्स देंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होएगा तो किस तरह देंगे? दूसरा कि हमारा जो ये स्टेडियम आ रहा है यहाँ, MA स्टेडियम, यहाँ सुना है कि IPL मैचेस होंगे यहाँ, जब एक जम्मू क्लब की मीटिंग होती है तो कार पार्किंग ओवरलोड हो जाती है, कहाँ कार पार्किंग करेंगे? और जबकि एक स्पोर्ट्स क्रिकेट के लिए स्टेडियम दिया है मजालटा में, तो वहाँ जाएं, ये ऑल मल्टीपर्पज़ स्टेडियम है, लेट इट बी एज ए मल्टीपर्पज़ स्टेडियम। मैं एक गरीब बाप का बच्चा हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ मजालटा जाने का या बाहर जाने का, मैं मेटाडोर पकड़ के MA स्टेडियम में आके आई प्ले एंड आई गो बैक होम। सो इट शुड रिमेन एज ए मल्टीपर्पज स्टेडियम बिकॉज इट इज़ इन द हार्ट ऑफ द सिटी। और जब ये बना था इसके फाउंडेशन ही यही थी कि मल्टीपर्पज। एक नंबर दो, मैं समझता हूँ कि जैसे कि हमारे स्टेडियम यहाँ हैं अपने अरुण जेटली जी जो हमारे रियासत के दामाद थे, उनके नाम पर एक यहाँ स्टेडियम या स्पोर्ट्स का कोई उनके नाम पर याददाश्त होनी चाहिए, क्योंकि हम डोगरे हैं, हम दामाद को बहुत ही इज्जत देते हैं। बाकी जो हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं, ही इज़ ए डायनेमिक पर्सन, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में उन्होंने इतना फंड दिया इस दफ़ा कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कभी एक पॉपुलर गवर्नमेंट ने भी इतना फंड्स नहीं दिए। एक नंबर दो, हमारे जो ऑनरेबल एडवाइजर साहब हैं के विजय कुमार साहब, अ डायनेमिक पर्सन, एग्रेसिव पर्सन एंड अ गो गेटर, उनकी नॉलेज में अगर कोई चीज़ आए ही टेक्स। एक दफ़ा हमने मीटिंग की थी स्पोर्ट्स काउंसिल की ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ, विद इन थी आज ही टुका एक्शन एंड नगरोटे में पहुंच के, और हमारी जो शूटिंग रेंज है जो 15 साल से लिंग ऑन कर रही है, इट विल बी ऑपरेशनल विद इन डेज। जो तो आपने कई चीज़ों को आपने खुलासा किया, जिस तरह आपने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपने कहा कि जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल या फिर DG यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, दे शुड बी स्पोर्ट्स पर्सन, ताकि जो स्पोर्ट्स पर्सन की तकलीफें हैं, चुनौतियाँ हैं, उसको बेहतर तरीके से एड्रेस कर पाए। कुलदीप जी, पिछले कई सालों से एक लकीर, एक डायरेक्शन आप दे रहे हैं और खेल भावना के प्रति
जो तस्वीर है उसको आप बखूबी जानते हैं, आपकी नज़र में इसमें कोई संदेह नहीं है कि रियासत जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है? जिस तरह जवाल साहब ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके साथ साथ कोचेज की कमी नज़र आती है, क्या कहेंगे यहाँ का स्पोर्ट्स पर्सन किस दिशा में देख रहा है आज? सर, जैसे जवाल साहब ने बोला कि फर्स्ट जो एक स्टेट का जब एक अगर आपका एक डिपार्टमेंट चल रहा है स्पोर्ट्स अगर चल रहा है, क्योंकि हमारे दो यहाँ पर चल रहे हैं, स्पोर्ट्स काउंसिल एक यूथ सर्विस, तो फर्स्ट इनको तो पहले मर्ज होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि अथॉरिटी बननी चाहिए, क्योंकि जब तक ये अथॉरिटी नहीं बन जाएगी तब तक कोई फायदा नहीं, सिंगल अम्ब्रेला, क्योंकि दोनों का काम का जैसे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स है एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, आप देखो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के पास एक ग्राउंड नहीं अपना, तो वो कैसे स्पोर्ट्स रन करेंगे जिसके पास अपना पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक ग्राउंड नहीं है, बिल्कुल। सेकेंडली जो मेन इशू है दैट इज स्पोर्ट्स पॉलिसी, कि स्पोर्ट्स पॉलिसी जे एंड के में जब तक नहीं बनेगी वी कैन नॉट एक्सपेक्ट गुड थिंग्स फ्रॉम द स्पोर्ट्स। टैलेंट तो आपने बताया दिया, सबको पता है कि टैलेंट वी हैव अ ग्रेट टैलेंट, लड़के वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल दे रहे हैं, एशियन गेम्स में दे रहे हैं, अभी श्रीनगर की लड़की अभी रिसेंटली ब्रुनाई से आ गई, वुशु में है, उसका सिल्वर मेडल आ गया, चाइना से जस्ट एक पॉइंट से हार गई, मतलब टैलेंट है वहाँ पर कुछ नहीं है, चाइना अगर हम चाइना और इंडिया कंपेरिजन करें तो हम कहीं स्टैंड नहीं कर रहे, बट उनसे फाइट करके सिल्वर मेडल लाना एक बड़ी बात है, जबकि हमारे पास टैलेंट है तो उसको नर्श कौन करेगा, गवर्नमेंट ने नर्श करा, एग्जैक्टली वो नर्श नहीं हो रहा बच्चा यहाँ पर, अभी हमारा बानू ने मेडल दे दिया एशियन गेम्स, बिल्कुल, तो उसका टारगेट 22 है, ठीक, 22 के लिए उसको हमने क्या दिया, कुछ नहीं, ना हमारे पास अभी स्टेडियम है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोच है, ना इक्विपमेंट्स है, ना उसकी कोई पॉलिसी है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं, जैसे दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, बिल्कुल, इवन की हिमाचल है, उनकी स्कीम्स है अब इतने डेवलप हो रहा है वहाँ पर स्पोर्ट्स के। हरियाणा में अभी फर्स्ट कैटेगराइज ऑफ स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर होता नहीं है, कि भाई जो स्पोर्ट्स मेडल ला रहा है उसको वैसे ही बेनिफिट दे दो, यहाँ पर क्या है हर किसी को स्पोर्ट्स को एक की नज़र में देखते हैं और फंड भी ऐसे देते हैं, अगर इसने मेडल लाया तो उसका इतना ही फंड है, जो मेडल नहीं ला रहा हूँ तो उसको ही मतलब सेम फंड क्राइटेरिया है, तो कोई कैटेगराइजेशन स्पोर्ट्स नहीं है। सेकेंडली बात है कि अट्रैक्शंस टोटली अट्रैक्शन नहीं, जे एंड के में कुछ नहीं है, SRO 349 था वो भी ख़त्म है, 4-5 साल से कुछ नहीं हो रहा, कैश इंस्टीट्यूट है कुछ नहीं है, अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी एक स्कीम निकाल दी, प्रमोशनल स्कीम फॉर द आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, जो भी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है उसको हम वो दिल्ली गवर्नमेंट 15 लाख पर एनम दे रही है कि अपने गेम को एक्सेल करने के लिए, वो फॉरेन जाना चाहती है, वो कहीं देश में कुछ करना चाहती है, इक्विपमेंट्स खरीदना चाहती है, तो अपना बेटरमेंट के लिए उसको 15 लाख एड मिल रहा है गवर्नमेंट दिल्ली की तरफ से, तो हम कहाँ हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास लड़के मेडल है तो हम उनको तो हम ऑनर भी नहीं करते, एक 10 रुपये का कैश प्राइज नहीं है उनके लिए, तो कैसा हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चे ग्रूम होके फिर आगे, जैसे भी लड़की सिल्वर मेडल आ गई एशियन चैंपियनशिप, दैट मीन्स कि शी हैज़ अ कैपेबिलिटी, बिल्कुल, तो नेक्स्ट टाइम उसका टारगेट गोल्ड होना चाहिए, तो गोल्ड के लिए हम तैयारी क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर रेज कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं 2-3 साल से सुन रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह रेज हो रहा है जी, बिल्डिंगें बन रही, ये बन रही, बट वॉट इज़ द फन ऑफ सच रेजिंग ऑफ बिल्डिंग्स, अभी तक तो मिला नहीं। सेकेंड बात, कोच कहाँ है उसका, अपॉइंटमेंट ऑफ कोच तो है ही नहीं, आपका इक्विपमेंट्स कहाँ है, उसका कोई प्रोविजन ही नहीं किया अभी तक, उसका तो अभी तक तो कराया था, उन्होंने टेंडरिंग होनी चाहिए थी, टिल डेट कुछ नहीं हुआ, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रेज हो रहा है तो बिल्डिंग तो बना दी, रहने वाला है ही नहीं, तो उस बिल्डिंग का फ़ायदा क्या है। आपका अकेडमीज़ है, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी शॉर्ट अकेडमीज़ बना रही है, मतलब हर ज़िले में कुछ अकेडमीज़ बना रही है, हमारे पास इतने टैलेंटेड कोचेस हैं, उनको बेचारों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, बट हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑनरेरियम फिक्स किया उनको, कि अगर कोई पे एंड प्ले स्कीम में बच्चा आता है उसको 500 या 600 रुपये लेते हैं या 200 रुपये लेते हैं, 50% कोच को जाता है, तो एक तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाती है और बच्चे को सुविधा मिलती है खेलने की और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करने की, इक्विपमेंट्स यूज़ करने की, तो वो एक्सेल नहीं करेंगे तो हम एक्सेल करेंगे, तो ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ हैं कि अभी गवर्नर साहब ने भी रियल कश्मीर को 2 करोड़ रुपये दे, बिल्कुल ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, बट मुझे बताओ सर कि रियल कश्मीर में कश्मीरी कितने हैं, कितने फुटबॉलर हैं जे एंड के में, हार्ड मुझे लगता है 1 या 2 होगा, वो भी शायद मैंने सुना कि नहीं है। 2 करोड़ में आप कम से कम अगर ऐसे जो आपके मेडल प्रॉस्पेक्ट स्पोर्ट्स अगर आप डिवाइड करते 4-5 स्पोर्ट्स को, मैं बोल रहा हूँ कि 20, 22 और 26 में हमारे कम से कम 4-5 मेडलिस्ट होते हैं ओलंपिक या एशियन गेम्स में, अगर हमारा कम से कम वो 2 करोड़, अगर 5 साल उनको देना 10 करोड़ रुपये देना है, अगर 10 करोड़ रुपये आप ये मेडल प्रॉस्पेक्ट स्पोर्ट्स को देते तो मुझे पता है कि कम से कम हमारे 2-4 मेडल तो आ ही जाते स्टेट के, तो हम तो उसकी तरफ जाते ही नहीं है। गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है कि स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली स्पोर्ट्स प्रमोट नहीं हो रहा,
उनका मोटिव इंटेंशन क्या है, दैट इज नोन टू गवर्नमेंट ओनली, बट मेरे मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मुझे नहीं लगता कि स्पोर्ट्स की तरफ पैसा जा रहा है, वो तो उनका इंटेंशन कुछ और ही है। कि जैसे रियल कश्मीर को 2 करोड़ दिए, फुटबॉल को फंक्शन कराया बहुत सारे, तो क्रिकेट की अकेडमीज बना दी, तो वट क्रिकेट का तो बीसीसीआई एक बड़ा एक रिचेस्ट बोर्ड है, तो वो उनके पास ऑलरेडी पैसा अबंडेंट है। जैसे जवान साहब ने भी बोला स्टेडियम बन रहा है, तो वहाँ पर 30-40 स्पोर्ट्स आपके हो रहे हैं, दैट मीन्स कि एक स्पोर्ट्स जिसका ऑलरेडी माय बाप बहुत स्ट्रांग है, और 30-40 स्पोर्ट्स का तो कुछ नहीं है, उनको वहाँ से निकाल के कहीं पर नहीं रखा, तो कैसे प्रॉस्पर करेंगे, कैसे आप मेडल एक्सपेक्ट करेंगे? कुलदीप जी, सीधी बात के माध्यम से आपने आज सीधी बात की है, और जिस तरह जवाल साहब ने भी कहा, जो जम्मू का क्रिकेट का स्पोर्ट्स का मक्का था एमएम स्टेडियम, बाकी स्पोर्ट्स वालों को वहाँ से हटाकर वंचित कर दिए हैं उनको जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज थी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर वो स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं रही है, बानू का आपने जिक्र किया, और जब नेबरिंग स्टेट्स ने जो मेडलिस्ट आए थे एशियन गेम्स में उनको तुरंत रिकॉग्निशन दी है, कैश इंसेंटिव दिए, एक मोटिवेशन दिया, वहीं बानू को वेट करना पड़ा है उस मोटिवेशन के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, जो एक स्पोर्ट्स पर्सन को कहीं अभी तक नहीं मिला। बहुत सारे जैसे अभी है कि जैसे हरियाणा देखो, हरियाणा में मेडल आया अभी बजरंग, उसका मेडल आ गया, साथ ही दिवस पे लगा दिया, साथ ही 2-3 करोड़ रुपये उसको कैश इंसेंटिव दिए, जब मतलब उसके पीछे जो बैकअप बेंच सेकंड बेंच पे होगा वो तो अगली बार पूछेगा कि यार अगर बजरंग ले गया तो मैं क्यों नहीं लूंगा, एग्जैक्टली मोटिवेशन क्यों नहीं बनूंगा, मोटिवेशन वही मतलब अट्रैक्शंस है नहीं, तो यहां पर तो कैसे प्लेयर कर। अभी लड़की मेडल आ गई, बानू मेडल आ गया, जो नेक्स्ट वाला बोलता है यार जब एशियन गेम्स को मेडल नहीं कुछ नहीं दिया तो मुझे क्या दे देंगे, तो ये एक मैसेज गलत जा रहा है। पंडित जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, जो तस्वीर हमारे सामने है, पिछले कई सालों से और कई कार्यक्रम इस पे कर चुके हैं, हर साल हम इस पे कार्यक्रम करते हैं, लेकिन परिणाम मुझे लगता है डाक के दो पार, क्या कहें? देखिए ये बड़ी एक दुखद बात है कि हम हर बार डिस्कशन करते हैं, हर 4-6 महीने में हम बैठते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, बड़े विशिष्ट अपने बड़ा विशिष्ट पैनल यहाँ मिला है, ये लोग बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, प्रैक्टिकली खेले भी हैं, खिला भी रहे हैं, इनका इतना एक्सपीरियंस है, बट बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे जो ऊपर बैठे लोग हैं वो जब पॉलिसी कोई बनाते हैं, कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है, तो इन जैसे लोगों को कभी भी वो कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। बिल्कुल सर। वो कौन लोग हैं जो उनको सलाह देते हैं, उनके सलाहकार कौन हैं, उनके पॉलिसी मेकर कौन है, ये आज तक समझ नहीं आए। जहाँ तक बात है स्पोर्ट्स एरिना, इस वक्त पूरा डोल ड्रम्स में है J&K में। आप देखें पिछले 4-6 महीने का घटनाक्रम जो देखें, हालात भी वैसे रहे हैं, और कश्मीर वैली में तो सारा कुछ स्टैंड स्टिल है, वहाँ पर तो ख़त्म है सिलसिला। अब मैं आपको बताऊँ, 3 तारीख को हमारी सब जूनियर शुरू होने वाली है फुटबॉल की, नेशनल सब जूनियर। वी आर अनेबल टू कॉन्टैक्ट आर काउंटर पार्ट्स इन कश्मीर, हमारी कोई बात नहीं हो रही, कोई फ़ोन नहीं चल रहा, लैंडलाइन फ़ोन कह रहे हैं चल रहे हैं लेकिन नहीं चल रहा, हम 4 दिन से कोशिश कर रहे हैं, तो और 10-15 दिन के बाद संतोष ट्रॉफी फुटबॉल का सबसे बड़ा इवेंट शुरू होने वाला है, हमारे बीच कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रहा कि टीम जाएगी कि नहीं जाएगी। हम फेडरेशन में बात कर रहे हैं, फेडरेशन वाले कह रहे हैं टीम भेजिए, अब हम कॉन्टैक्ट किससे करें, क्या करें? तो बात का कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो है उसके लिए कोई ना कोई पॉलिसी है, ना कोई सिस्टम है, ना कोई मैकेनिज्म है, यहाँ पर तो एक चल रहा है सिलसिला, जो चल रहा है धक्काशाही प्रोग्राम वो चल रहा है। हर बार हम डिस्कस करते हैं, आपने यहाँ काउंसिल के लोगों को भी कई बार बुलाया, कई बार आपने यहाँ डायरेक्टर स्पोर्ट्स DG स्पोर्ट्स को भी बुलाया, नवीन अग्रवाल जी आए थे तब भी हम लोग बैठे थे, जब हम लोग उनके साथ बैठते हैं वहाँ, देखिए तनकीद आदमी जब करता है तो तनकीद को या अपोजिशन को या क्रिटिसिज्म को हमेशा पॉजिटिवली लेना चाहिए। अगर मैं फुटबॉल एसोसिएशन को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो आप मुझ पर अगर तनकीद करते हैं तो मैं, अगर मुझ में समझ है तो मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं उस तनकीद को एक पॉजिटिव तरीके में लूँ और उसमें इम्प्रूवमेंट की कोशिश करूँ, ना कि मैं उसे अनॉयड फील करूँ, ना कि मैं उसे पर्सनली ले लूँ। लेकिन होता ही है कि यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स का आप बुलाते, कोई आदमी आता नहीं, आप हर बार बुलाते हैं, हर बार मैं आपसे पूछता हूँ कि काउंसिल से कोई आ रहा है, कोई DG स्पोर्ट्स से कोई आ रहा है, आप कहते बुला रहे हैं जी, वो नहीं आते क्योंकि उनको पता है वो उनके पास यहाँ हमारे बातों का, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए नहीं है। अब इसी बात का तो रोना है कि स्पोर्ट्स, सबसे बड़ी ट्रेजेडी जम्मू कश्मीर के अंदर ये है कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इज द लीस्ट कंसर्न डिपार्टमेंट, इसकी तरफ किसी कोई पॉलिसी मेकर का ध्यान नहीं, कोई सरकार का ध्यान नहीं, जो थोड़ा बहुत है वो सारा ऑर्नामेंटल दिखता है वहाँ से, सिर्फ दिखावे के लिए। अभी जैसा हांडू साहब ने कहा कि 2 करोड़ रुपये क्लब को दे दिया, अब देखिए चूंकि ये स्पोर्ट्समैन ये समझते हैं, मैं तो एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं इस चीज़ पे तो हम भी बड़े खींचे हुए हैं कि भाई आप आए हैं, आपने जम्मू में इतना बड़ा इवेंट कराया, आपने 2 करोड़ में एक क्लब को ही दे दिया, और कम से कम ये तो देखिए उस एक क्लब के अंदर जम्मू कश्मीर को
रिप्रेजेंट करने वाले कितने, उसमें चार तो नाइजीरियन खेल रहे हैं, तीन चार लड़के पंजाब के खेल रहे हैं, दो चार दिल्ली के खेल रहे हैं, दो हिमाचल के खेल रहे हैं, कुल मिलाकर के जो बेंच पे बैठते हैं लड़के वो हो गए जम्मू के, जम्मू कश्मीर के एक दो बीच में खेल रहे होंगे प्लेइंग 11 में। अब आपने 2 करोड़ रुपये एक क्लब को दे दिया और दूसरी टीम रनर अप जो यहाँ एग्जीबिशन मैच हुआ उसको भी 50 लाख शायद दे दिया, तो वो 2.5 करोड़ रुपये अगर आप फुटबॉल पूरे फुटबॉल के लिए दे देते कि चलो भाई ये फुटबॉल के लिए अपने 2.5 करोड़ रुपये रखा, बताइए एसोसिएशन को बुलाइए, फुटबॉलर्स को बुलाइए, कोचेस को बुलाइए, आप बैठ के उनके पूछे भाई आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, हम 20 साल से चिल्ला रहे हैं जम्मू में एस्ट्रोटर्फ नहीं है, 2 करोड़ की एस्ट्रोटर्फ लगती है 1.5 करोड़ की, चिल्ला चिल्ला के हमारे MLA ईस्ट बेचारे ने उसने काम किया और ये थोड़ा सा परेड ग्राउंड का अभी थोड़ा सिलसिला सीधा हुआ है, एक आदमी के एफर्ट से उसने जो हमारे MLA जम्मू ईस्ट है मैं हर बार उनकी तारीफ करता हूँ कि उन्होंने पर्सनल इनिशिएटिव लेकर के परेड ग्राउंड को सीधा किया, अभी लाइट्स लगी, लेकिन हम वो कहते हैं भाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फुटबॉल का बहुत आगे चला गया, हमें एस्ट्रोटर्फ चाहिए, आप हमें एक एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड यहीं दे दीजिए, कम से कम हम बेसिक प्राइमरी जो मक्का हमारा फुटबॉल का जम्मू परेड ग्राउंड, वो इतने साल वहाँ पर धूल मिट्टी रही क्या बाद में पूछे, 10-15 साल वो ग्राउंड टोटली अबैंडन रही, एक साइंस कॉलेज की ग्राउंड थी, 50 हमारे पास रजिस्टर्ड क्लब है, सर्दियों में सारी डिपार्टमेंटल टीमें श्रीनगर से आ जाती हैं, सर्दियों में हमें टाइम स्लॉट देने पड़ते हैं टीम्स को प्रैक्टिस करने के लिए, और डिपार्टमेंटल टीम जो है कई बार 12 बजे 1 बजे उनका नंबर आता है, आप यकीन कीजिए 8 डिपार्टमेंटल टीम श्रीनगर 6 महीने सर्दियों में जम्मू मूव करती हैं, 4-6 क्लब वहाँ मूव करते हैं, जम्मू सिटी के अंदर जब 12-15 क्लब होंगे और एक फुटबॉल ग्राउंड होगी वो कब क्या प्रैक्टिस करेंगे और क्या रिजल्ट देंगे, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं। अगर आप कहीं उस ग्राउंड आपने बनाई थी वो जब संतोष ट्रॉफी हुई थी आज से 10-15 साल पहले तो आजाद साहब थे चीफ मिनिस्टर, उसके बाद से लेके आज तक उस ग्राउंड की मेंटेनेंस, उसके चेंजिंग रूम की आप जाकर देखें वहाँ दिम खा गई है, उसके खिड़कियाँ दरवाजे आप वहाँ बैठ नहीं सकते, मतलब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका इंडोर चल रहा है इस वक्त उसकी हालत देखिए आप, ना कोई टाइम लिमिट है, वो उसके बाद शुरू हुआ आपका आउटडोर EMS स्टेडियम वो बन के तैयार हो गया, इंडोर पहला शुरू हुआ 6 साल हो गए, वो उसकी कोई तरफ ध्यान नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं, मोर ओवर जो आपने आउटडोर अभी बनाया MS स्टेडियम आपने 4 गेम्स को उठा के बाहर फेंक दिया, फेंसिंग आपने बाहर फेंक दी, एथलेटिक्स बाहर फेंक दी, ये वुशू वाले लोग, ये ताइक्वांडो वाले लोग नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर पैदा किया था, इनके पास इंडोर कॉम्प्लेक्स नहीं, एक हॉल नहीं, ये बच्चे 45 डिग्री की टेम्परेचर में बाहर प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल, मतलब आप देखिए एक इंटरनेशनल, एक नेशनल कोच यहाँ बैठा हुआ है, एक इंटरनेशनल रेफरी बैठा हुआ, आप इनसे पूछिए इनकी गेम के लिए क्या इन्होंने आज तक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है, जमाल साहब ने कहा डायनामिक है गवर्नर साहब, लेकिन डायनामिज्म परफॉर्मेंस में लाना होगा उनको, उनको उन लोगों को बीच में बिठाना होगा, पूछना होगा जमाल साहब जैसे लोगों को, इन लोगों को बीच में, भैया आप जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, आप उसके आर्किटेक्ट हैं, आप बताइए आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, हमें तो आज तक ये समझ नहीं आती कि ये पॉलिसी बनाने के वक्त कैसे लोगों की सलाह लेते हैं, हमारी बच्चियाँ जिमनास्टिक की कॉमनवेल्थ जा रही थी और अंदर हॉल के अंदर रेनोवेशन चल रही थी और बच्चियाँ पार्क में प्रैक्टिस कर रही थी, आप बताइए कॉमनवेल्थ का स्टैंडर्ड आपने देखा है TV पर ही देखा होगा, आप बताइए कॉमनवेल्थ के स्टैंडर्ड के साथ कम्पीट करने के लिए आप बच्चों को ओपन पार्क में कराएंगे प्रैक्टिस, ये आपके सामने बैठे हैं पंगोत्रा साहब, मैं ग्राउंड में जाता हूँ, ये पार्क आज तक ये पिछले 15 साल से पार्क में प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जो ये पार्क में प्रैक्टिस करवा रहे हैं, वहाँ भी कबाड़ फेंक दिया पूरा, आप आजकल कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं मुझे नहीं पता, आप देखिए जहाँ ये प्रैक्टिस करते हैं वहाँ से स्टेडियम के अंदर का कबाड़ उठाया वहाँ फेंक दिया, तो अनलेस अनटिल आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप उससे पहले आपके पास एक सीरियस कंसर्न नहीं है कि भाई हमारे बच्चे कहाँ प्रैक्टिस करेंगे, बच्चों के लिए क्या चीज़ चाहिए, आपको बताऊँ मैं 10 लाख रुपए का सामान जिमनास्टिक्स का पिछले 4 महीने से कॉरिडोर में पड़ा है, आर्टिस्टिक जिमनास्टिक का सामान जो है वो कॉरिडोर में पड़ा, उसको मिट्टी और जंग खा रहा है, नया सामान पड़ा है हॉल के अंदर जगह नहीं रखने के लिए, एक हॉल है आपका इंडोर वही मल्टीपर्पज़ है, वही बैडमिंटन का हॉल है, वही हॉल आपका जिमनास्टिक का है, वही रिदमिक जिमनास्टिक का है, वही एरोबिक्स का है, बच्चे कब कहाँ प्रैक्टिस करेंगे, आपका सामान मिट्टी खा रहा, 1 लाख रुपए का सामान आपने लाया वहाँ फेंक दिया, अरे भाई आप इंडोर को जल्दी तैयार कीजिए, बैडमिंटन को उधर कीजिए या जिमनास्टिक को उधर कीजिए, कम से कम जो सामान लाया बच्चे यूटिलाइज तो करें, एक कोच पार्क में करा रहा है, एक कोच अंदर करा रहा है, 4 आपके पास कोच हैं, 2 बच्चे हैं, हॉल है नहीं, कोचेस क्या करेंगे, कहाँ से बच्चों के रिजल्ट आएंगे, कहाँ से हम प्रोग्रेस करेंगे, आपकी बातों से और जो भी बातें अभी तक आई हैं तस्वीर बयां हो रही है डिस्पाइट बिल्कुल दयनीय स्थिति है स्पोर्ट्स की, मैं कहूंगा हमारा स्पोर्ट्स ये सैल्यूट इन लोगों को है जो ये लोग अगर रिजल्ट दे रहे हैं तो इनकी अपनी हिम्मत है, ये अपनी हिम्मत पर रिजल्ट दे रहे हैं, आयरनी ये है कि
कुछ लोग जो अपने लेवल पे कर रहे हैं वो फिर भी सिस्टम का शिकार होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, वही लोग विक्टिमाइज हो रहे हैं, वही विक्टिमाइज हो रहे हैं। अतुल, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। जो तस्वीर हमारे सामने है, आप इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं, कोच भी हैं और नेशनल रेफरी भी हैं, और टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में आप 2020 में आप जा रहे हैं। तीनों के आपने सफर सुने और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह बंटी जी ने कहा, और तस्वीर हम सबके सामने है, वुशु के प्लेयर, ताइक्वांडो के प्लेयर पार्क में करते हैं और जो पार्क इवन भी नहीं, अनइवन है, और कभी भी जो वो मेडल दे रहे हैं आपको एशियन गेम में, मेडल दे रहे हैं, मेडल दे रहे हैं, और अभी इनके जो पांच बच्चे हैं वो सिलेक्ट हुए हैं वर्ल्ड क्रिकेट के लिए, क्या कहेंगे जो तस्वीर इस वक्त हमारे साथ है? सर, अभी जैसे पिछले चार साल से हम लोग आ रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म पे, आके अपनी बात रखते हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई, बट अब जैसे हमारी एक स्टेट थी जम्मू कश्मीर, अब यूनियन टेरिटरी बन गई है। मैं बाहर था उस समय, जब मैं ताशकंद में था तो मुझे पता लगा यूनियन टेरिटरी बन गई हमारी स्टेट का नाम, तो दुख भी हुआ, उसके साथ एक खुशी भी हुई कि एटलीस्ट हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ जाएंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट, हम मेरा 30-31 साल हो गए मुझे इस गेम के अंदर, तो आज तक कभी एक रुपये का इक्विपमेंट तो हमें कभी मिला नहीं। जो भी किया अपने लेवल पे किया, चाहे हम ट्रेनिंग करने के लिए गए बाहर, चाहे कुछ भी करके बच्चों को अपने तैयार किया, किसी से कोई हेल्प नहीं हुई नहीं। लेकिन यूनिटेडी बनने के बाद हम उस समय, मुझे भी यही लगा क्योंकि मैं उस समय बाहर था, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में था, तो मुझे लगा कि यार हम भी, हमारे पास भी अब जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह बड़े स्टेडियम, जैसे दिल्ली में 5 स्टेडियम हैं आपके पास, IG है, नेहरू है, छत्रसाल है, तो ये स्टेडियम जो हैं वैसे भी वैसे बन सकते हैं हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भी। लेकिन फिर मैं ये भी सोच रहा था कि एक जो स्टेडियम पिछले 3 साल से बन रहा है और अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो क्या बनेगा वो? ये भी अभी गवर्नमेंट की ऊपर से थोड़ी सख्ती है, तो इसलिए जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं ऊपर से सख्ती कर रहे हैं, तो अभी बनने में हुआ। जैसे जमवाल सर ने बोला कि जो क्रिकेट स्टेडियम था, अब क्रिकेट स्टेडियम हम लोग तो उसको बोलते थे क्रिकेट मल्टीपर्पज़ स्टेडियम, वो अभी क्रिकेट स्टेडियम बना रहे हैं, तो उसके बारे में भी हमें पता नहीं था ये क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। तो ये तो अभी पता चला कि क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, और हम लोग तो चले जाते थे जब जगह नहीं होती थी वहाँ पर रनिंग करने के लिए चले जाते, अब तो हमें कोई घुसने भी नहीं देगा वहाँ पर हमारे बच्चों को, तो कहाँ जाके, हमने बचपन से वहीं पर ट्रेनिंग करके हम आगे बढ़े हैं। और रही बात इसकी, जैसे बता रहे थे कि 2 करोड़ रुपया दिया फुटबॉल को रियल कश्मीर, तो मुझे याद है मैं उस दिन, जिस दिन उनको 2 करोड़ रुपया दिया, तो जम्मू में एक फंक्शन हुआ था, तो बच्चों को बुलाया था, मेरे बच्चे अगले दिन नेशनल के लिए जा रहे थे, तो हम लोग वहाँ पर 50-60 बच्चे लेके गए थे वहाँ पर। तो हमारे बच्चों ने पूछा हमसे कि कहते सर किस लिए फंक्शन है, मैंने कहा 2 करोड़ रुपया मिल रहा है इनको, कहता 2 करोड़ रुपया और हमारी स्टेट टीम जा रही है उसके लिए ग्रांट नहीं है, हमने सिर्फ तो 1.5 लाख रुपया मांगा था। तो बहुत दुख भी हुआ, लेकिन वो अभी कुछ पता चला एक इंटरव्यू में गवर्नर साहब के, कि गवर्नर साहब ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि एटलीस्ट पैसा दे रहे हैं वो, और उन्होंने एक बात कही उसमें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो 2 करोड़ नहीं है, 4 करोड़ दिया है, 2 करोड़ उन्होंने खुद दिया और 2 करोड़ जेके बैंक से दिलवाया उनको, तो ये 4 करोड़ रुपया दे दिया उनको, और हमारे लिए 4 लाख भी, 4 लाख तो छोड़ो, 40,000 ही दे दो। तो इस बात का कि वो बच्चे जेएंडके से बिलोंग नहीं करते। तो अभी देखिए, हम स्पोर्ट्स पर्सन हैं, हम किसी स्पोर्ट्स को क्रिटिसाइज नहीं करते, लेकिन बात अभी जैसे हम यूनियन टेरिटरी के अंडर हैं, तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे दिल्ली है, यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, चंडीगढ़ है, तो ऐसी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, यहाँ पर एटलीस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी ना हो, बट जो बच्चा मेडल लेके आता है उसको कैश इंसेंटिव दिया जाता है, और काफ़ी मैंने सुना है कि चंडीगढ़ में 1-2 लाख रुपया तो उनको दिया जाता है नेशनल मेडलिस्ट को, तो उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चों को भी मिलेगा पैसा। जब तक देखिए रिवार्ड जो है ना, रिवार्ड जब तक हम बच्चों को नहीं देंगे तो बच्चे आगे बढ़ नहीं पाएंगे, मोटिवेट नहीं। मोटिवेशन के लिए हमें रिवार्ड देना पड़ता है। हमने जब NIS किया तो हमें भी यही बताया गया कि एटलीस्ट जो बच्चा अच्छा काम करता है ना उसको एक ट्रॉफी दे दो, उसको ये लगेगा कि हाँ मुझे रिवार्ड मिला है। तो जब हमारे बच्चों को तो यहाँ कुछ भी नहीं मिलता, वो इवन खेल के आता है, अभी मेरे 5 बच्चे एशियन चैम्पियनशिप खेल के आए हैं कैडिट, और जैसे बताया कि हंडू सर ने बताया कि कैडिट को, और हमने भी देखा जो कैलेंडर में आता है जो ग्रांट डिस्ट्रीब्यूट होती है, खैर हमें तो मिली नहीं अभी तक, मिलती नहीं है ग्रांट, बट उसमें जो लिखा जाता है उसमें कैडिट नाम ही नहीं है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैडिट जो है, कैडिट वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट में कैडिट ही अप्रूव्ड है, सब जूनियर अभी नहीं है कैडिट, लेकिन कैडिट के लिए फंड नहीं है, और कैडिट बच्चे खेल के आए हैं, और उसमें से 3 बच्चे हमारे
जम्मू से हैं और दो बच्चे लद्दाख से खेल के आए हैं, और फर्स्ट टाइम है कि कोई बच्चा वहाँ से लद्दाख से खेल के आया है। और उस दिन हमारी टीम जा रही थी तो दिल्ली में किसी ने बताया कि लद्दाख के जो हैं कुछ बिजनेसमैन और वो उन बच्चों को स्पॉन्सर करने के लिए आगे आए, लेकिन जम्मू से किसी ने हमें पूछा तक नहीं। बच्चे खेल के भी आ गए, अब लड़की वो खेल के आई है वुशु में जो मेडल लेके आई है सिल्वर मेडल, किसी ने पूछा भी नहीं होगा। और भी गेम्स हैं काफ़ी, जैसे जूडो हो गया, जो मार्शल आर्ट की बात करूँगा, काफ़ी आते हैं खेल के आते हैं, कोई पूछता नहीं है उनको। तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट कम से कम उनको कुछ रिवार्ड्स जो सेंटर, अब जैसे हैं गवर्नर साहब से एक रिक्वेस्ट करते हैं, जो एडवाइज़र हैं हमारे विजय कुमार सर, मैं उनसे कभी मिला नहीं, फारूक खान साहब हैं वो लक्षद्वीप में लेफ्टिनेंट जनरल रहे, गवर्नर रहे, और उन्होंने अपलिफ्ट किया। इवन कालरा साहब और अरुण मल्होत्रा, इनको भी उन्होंने वहाँ पर किसी एडवाइजरी बोर्ड में रखा था स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि अच्छे हमारी भी अच्छी स्पोर्ट्स पॉलिसी बने, लेकिन यू टीम में आने के बाद मैं एक चीज़ आप सबसे, मतलब सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं और मैं पूछना चाहता हूँ, हम लोग खुश हैं, जम्मू के लोग भी खुश हैं, लद्दाख के लोग भी खुश हैं कि यू टी बन गई, हम भी खुश हैं, सारे खुश हैं, लेकिन यूटी बनने के बाद क्या स्पोर्ट्समैन खुश है? स्पोर्ट्समैन कोई खुश नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्या है, हमारा स्पोर्ट्स ख़त्म हो जाएगा अगर इसके ऊपर, अगर जो हमारे जो सारी एसोसिएशन एक साथ मिलके इमीडिएटली मिलना चाहिए गवर्नर साहब से और इस चीज़ में करना, क्योंकि हमारी एक ही पहचान थी, हमारे जो स्पोर्ट्स बचा हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि कोई कैश इंसेंटिव नहीं है SRO 349 जिसमें हमारे बच्चों को जॉब दी जाती है, जो पिछले 3-4 साल से तो मिली नहीं है। कुछ बच्चे पहले बताया कि कोई कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई कुछ, मैं बताना नहीं चाहूँगा, ऐसी हालत है उन बच्चों की जिनके घर में डिपेंडेंट हैं, उनके फैमिली उन पर डिपेंडेंट, लेकिन वो गेम के चक्कर में अभी तक वो वेट कर रहे हैं हमारा, हमें जॉब मिलेगी। लेकिन क्या यूटी आने के बाद सारे SRO ख़त्म हो गए तो हम स्पोर्ट्स पर्सन कहाँ जाएंगे? पहले बात को सभी स्पोर्ट्स, आप, मैं बताऊँगा आपको कि स्पोर्ट्स और नीचे चला जाएगा अगर हमारी ये जॉब सिक्योरिटी नहीं रही, तो हमारे जो बच्चे खेलते थे जॉब के लिए वो आज स्पोर्ट्स नहीं करेंगे, और हमारी परफॉर्मेंस जो है, हमने जितना मेहनत की है सब जूनियर बच्चे, वो आने वाले टाइम पे, अभी तो यही अफवाह फैल रही है कि हाँ भाई अब तो स्पोर्ट्स का करने का फ़ायदा नहीं है, पढ़ाई करो ये करो, तो एटलीस्ट क्या उस चीज़ की सिक्योरिटी है यूटी बनने के बाद? और दूसरी जैसे बच्चे जो आ रहे हैं खेल के आ रहे हैं, जो कोचिज़ हैं हमारे, तो कोचिज़ का है बाहर से, ये अच्छी बात है कि अगर यूटी बन गई तो हमारे पास ये ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ही बच्चे NIS करते थे और आके कोच लग जाते थे, अब पूरे इंडिया से बेस्ट जो कोच हैं वो आके अप्लाई करेंगे और एक कोचिंग का और हम चाहते हैं कि जैसे वैकेंसी निकली है 50,000 कितनी निकाली है वैकेंसी, तो उसमें मुझे लगता है कि बेल्ट फोर्सेस का ज़्यादा वैकेंसी होगी, तो अदर देन बेल्ट फोर्सेस, हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि उसमें एटलीस्ट हमारा स्पोर्ट्स के लिए जो कोचेस हैं उनकी भी रिक्रूटमेंट होनी चाहिए उस पॉलिसी के अंदर, और हमारे स्पोर्ट्स के अंदर जो SRO 349 के अल्टरनेट कोई ढूंढ के एटलीस्ट हमारी सिक्योरिटी रहनी चाहिए, और तभी यूटी बनने का फ़ायदा और हम लोग सही रहेंगे। अतुल, आपने कई चीज़ों का खुलासा किया, आपने कुछ खदशात, कुछ डाउट्स भी आपने क्रिएट किए, जमवाल साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, डाउट्स यहाँ पर क्रिएट हुए कि SRO 349 का जो बेनिफिट रियासत जम्मू कश्मीर के युवाओं को मिलता था नहीं मिल पाएगा, लेकिन हंडू जी ने एक बहुत बेहतरीन बात की है कि एडजॉइनिंग जो स्टेट्स है, चाहे हरियाणा की बात करें, दिल्ली की अगर बात करें, वहाँ पर डिफरेंट स्पोर्ट्स क्लब खुल रहे हैं, इंसेंटिव दिया जा रहा है, क्या 31 अक्टूबर 2019 जब औपचारिक तौर पर जम्मू कश्मीर रियासत यूटी बन जाएगी, और उसके बाद ये भी माना जा रहा है कि बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज यहाँ पर आ रहे हैं, क्या ये मैंडेटरी होना चाहिए कि उनका एक CSR एक्टिविटी स्पोर्ट्स की तरफ भी कंट्रीब्यूट हो? बिल्कुल विवेक जी, मैंने शुरुआत में ही आपको कहा कि CSR की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं समझता हूँ, मेरी इस तरह अंडरस्टैंडिंग है कि जो हमारे एडवाइज़र साहब हैं और गवर्नर साहब हैं, ये दे विल मेक इट अ पॉइंट दैट द CRS रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ मस्ट फॉर दीज टॉप टाइकून्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि इसके बगैर तो काम नहीं चलेगा। अभी चंद दिन पहले हम एडवाइज़र फारूक खान साहब से मिले, मैंने सिर्फ दो बातें की, मैंने कहा सर वी आर स्पोर्ट्स पर्सन, वी आर फ्रॉम द स्पोर्ट्स फ्रटर्निटी, हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, हमको सिर्फ दो चीज़ें आप दे दो स्पोर्ट्स में। कहने लगे क्या, बोलिए। मैंने कहा सर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल शुड बी अ स्पोर्ट्स पर्सन एंड प्लीज रिकॉन्स्टिट्यूट द स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल एंड थर्डली प्लीज गिव अस अ स्पोर्ट्स पॉलिसी एंड नथिंग एल्स, दैट इज द नीड ऑफ द आवर।
बाकी आप बातें करने के डिस्कशन करें, जो मर्जी करें, मीटिंगें करें और करें, बट जब तक एडवाइजर स्पोर्ट्स जो है के विजय कुमार साहब इज़ अ वेरी एग्रेसिव पर्सन है ना, मेरे ख्याल उनके कान तक ये बातें नहीं पहुंच रही हैं जो बंटी जी ने, पंगोत्रा साहब और हांडू साहब ने कही है कि ही शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द लेटेस्ट एक्टिविटीज। तो क्या है ऑन ग्राउंड, क्या है? एक तो होते हैं ना हवाई फायर, आप यू आर सिटिंग इन हेडक्वार्टर रिपोर्टिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली, एंड वन इज दैट आई एम ऑन द LOC एट DKG। सो ग्राउंड जीरो को उनको रिपोर्टिंग मेरे ख्याल ठीक नहीं आ रही है, या उनके जो सोर्सेज हैं, चैनल्स हैं, दे आर नॉट बीइंग गिवन द करेक्ट पिक्चर। सो अनलेस एंड अनटिल यू गिव अ करेक्ट पिक्चर टू योर बॉस, द बॉस कैन डू नथिंग। और मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा इसमें कि स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी जो है ना, दे प्ले फॉर द कंट्री, दे गेट मेडल्स फॉर द कंट्री एंड दे गेट ऑनर फॉर द कंट्री। हमको ये नहीं है कि कौन है, क्या है, हमारा स्पोर्ट्स को जो J&K स्टेट में है, जैसे बंटी जी ने कहा कि इट इज द लास्ट प्रायोरिटी, बट नाउ आई फील कि इट विल नॉट बी द लास्ट प्रायोरिटी, इट विल बी इन द मिडल रंग। व्हाई? बिकॉज आफ्टर द यूनियन टेरिटरी कई चीज़ें हैं, जिस तरह इन्होंने ऑफिसर्स भेजे हैं पांडिचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, वहाँ से लेके ये जो अच्छी चीज़ें निकालेंगे, व्हाट आई फील, दिस इज माय पर्सनल फीलिंग, और स्पोर्ट्स को एक्टिविटी देंगे, क्योंकि गवर्नर साहब का मैंने देखा चुप करके काम करते हैं एंड ही कम्स आउट विद समथिंग सॉलिड एंड वट एवर ही सेज इट हैज सम सब्सटेंस। एक तो होता ना सर इसमें लारी लप्पा लगाना, एक होता है सब्सटेंस बात करनी, वो सब्सटेंस। और जो एडवाइजर साहब है हमारे, ही इज वेरी डायनेमिक, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है विद इन 3 hours ही टुक एक्शन व्हाट आई सेड विद इन 3 hours। मेरे ख्याल आज तक हिस्ट्री में ये नहीं है, एंड वी आर गेटिंग ए इंटरनेशनल शूटिंग रेंज इन नगरोटा एंड वी विल बी एबल टू कंडक्ट नेशनल एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड इंटरनेशनल लेवल टूर्नामेंट्स हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। रूरल बच्चे आके उधर शूटिंग करेंगे, शहर वालों को तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो जो रूरल बच्चे हैं और हमारा जो टैलेंट है इट इज इन द रूरल एरिया, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। आई विल बी नियरली टचिंग 70 नेक्स्ट ईयर, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि द टैलेंट इज इन द रूरल बट देयर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर, नो कोचेस, जैसा मैंने पहले भी कहा आपको। तो ये जो पॉइंट है, और अगर J&K पुलिस हम लोगों को मदद नहीं करे स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी को अंडर द सिविल एक्शन प्रोग्राम, बिल्कुल, तो स्पोर्ट्स इज एट द जीरो लेवल एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल डायरेक्टर जनरल पुलिस श्री दलबाग सिंह जी हु गिव्स अ फ्लिप टू द स्पोर्ट्स एक्टिविटी। वेन एवर यू गिव अ रिक्वेस्ट इट इज अप्रूव्ड, वेन एवर यू गिव अ रिक्वेस्ट अप्रूव्ड। अगर पुलिस डिपार्टमेंट नहीं होए, हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इज एट अ जीरो लेवल टू बी वेरी प्रिसाइज। हजोल साहब ने के विजय कुमार साहब का जिक्र किया और उनका एक वीडियो भी आया था कि वॉज प्लेइंग वॉलीबॉल और दिखाता है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स भावना उनमें है। और हम आशा करते हैं कि जहाँ सरकार हीलिंग टच की बात कर रही है कश्मीरी युवाओं को, बल्कि एक हॉलिस्टिक अप्रोच लेकर जैसे जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों को लेकर आगे बढ़ना होगा। कुलदीप जी, यहाँ से आगे चुनौतियाँ और आशाएँ क्या नज़र आती हैं UT बनने के बाद? क्या जो सेंट्रल लॉज है यहाँ इम्प्लीमेंट होंगे, जो बैरियर्स थे, क्या आपको लगता है कि जिस तरह जवाल साहब ने कहा कि DG और जो हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल हैं ही शुड बी ए स्पोर्ट्स पर्सन, ऐसा कोई आने वाले समय में एक अगर हो जाता है तो क्या स्पोर्ट्स को एक फिलिप, एक बढ़ावा मिलेगा रियासत जम्मू कश्मीर में? सर, एक स्पोर्ट्स पर्सन तो अभी इतना मैं बता नहीं सकता कि यूनियन टेरेटरी से क्या फ़ायदा है, बट जो मुझे अभी तक जो यूनियन टेरेटरी से हम बात करते हैं, जैसे दिल्ली में, लेट्स टेक द एग्जांपल दिल्ली, दिल्ली में क्या है कि सर कि वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत अच्छा चीज़ कर रही है स्पोर्ट्स में, बहुत अच्छे काम कर रही है। PM साहब इतने इनिशिएटिव्स लिए हैं स्पोर्ट्स में, अभी रिसेंटली भी क्या उनने जो कॉन्सेप्ट डाला है कि खेलो इंडिया स्कीम्स, बिल्कुल, जो खेलो इंडिया के स्कीम्स है कि उन्होंने जो जितने भी सब ट्रेनिंग सेंटर्स थे, स्पेशल एरियाज गेम्स थे, उनको कन्वर्ट कर दिया, बंद कर दिया सारे, और सेंटर ऑफ एक्सलेंसी प्लस खेलो इंडिया स्कीम्स कर दिए। तो हर जगह पे वो खेलो इंडिया की एकेडमीज बना रहे हैं, ठीक है सर? तो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि
हमारी वुशु प्लस अभी हमारी मीटिंग थी वहाँ पर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स है राधेश्याम जुलियाना साहब, तो उनने मार्शल आर्ट का तीन स्पोर्ट्स निकाल दिए, वुशु, ताइक्वांडो और जूडो, तीन को क्लब करके इंडिया में 6 एकेडमीज दे दी सर। ओके ठीक है, 6 एकेडमी दे दिया कि आप वहाँ पर जाओ जी, वहाँ पर अपने 200 बच्चे आपने देना है। और टारगेट रखा कि 9 से 1400 बच्चे हर 650 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे पास ऑल ओवर इंडिया में, तो हर कम से कम आप 400-500 डिस्ट्रिक्ट करो और वहाँ पर टैलेंट निकालो, उनका डिस्ट्रिक्ट करो, उनका स्टेट करो, उनका नेशनल करो। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर वर्किंग स्टाइल क्या है, मैंने कैलेंडर चिट्ठी निकली जी, हाँ जी मुझे जी कैलेंडर दे दो जी, आपका जी इस साल का कैलेंडर देना है, मैंने कैलेंडर दिया तो ग्रांट निकल गई मुझे 2 या 3 लाख रुपया जो भी निकलता है। ठीक है सर, जो मेन वर्किंग है स्पोर्ट्स काउंसिल की या यूथ सर्विस की, जैसे लेट्स एग्जांपल ऑफ वुशु की, वुशु स्पोर्ट्स का, कि भाई एक प्रोजेक्ट ऑफिसर अपॉइंट हो जो 4-5 स्पोर्ट्स को जो वर्किंग बना दे, उसकी एक प्रपोजल बना दे उसका कि वुशु का एरिया कहाँ कहाँ है, उसके प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, उसके डिमेरिट्स क्या है। ठीक है सर, कहाँ कहाँ वो गेम चल रहा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ कहाँ है, इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए, कोई आकर उसमें तो कोई आम नहीं कोई कर रहा है, वर्किंग स्टाइल ही नहीं है, खाली मैंने कागज़ दिया उसमें मुझे पैसा मिल गया खत्म, बाकी कुछ नहीं पता। तो ये ऐसा काम तो नहीं जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फेडरेशन को इतना टाइट किया है कि आपने 600-650 डिस्ट्रिक्ट हैं, कम से कम 450 डिस्ट्रिक्ट इस साल करना और जो बाकी रिमेनिंग अगले साल करना आपने। उससे क्या होगा कि आपने स्टेट भी करना, नेशनल भी करना, और वो जो बच्चे आपके निकल जाएंगे वो ये फैला दो आपकी जो है एकेडमीज में, जो बच्चे जो आपके टैलेंटेड बच्चे निकल उनको एकेडमीज में, तो वही ग्रूम होंगे, जब वो निकलेंगे वहाँ से तो ऑब्वियसली कुछ रिजल्ट तो आएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं हो रहा सर, कि जैसे आपने बोला यूनिट टेरेटरी के बेनिफिट्स, फर्स्ट बेनिफिट अगर यूनिट टेरेटरी आ गई, प्रधानमंत्री साहब का बड़ा वो तो बड़ा इनिशिएटिव है उनके। अभी देखो सर, अभी जामवाल साहब ने बोला कि यहाँ पर भी डायनेमिक लीडर है, बट मैं नहीं समझता कि मोदी साहब के जैसा कोई लीडर है। एग्जैक्टली क्या है, अभी पीवी सिंधु का मेडल आ गया, ठीक है सर, वो उसी दिन अब्रॉड से आ गए कौन, मोदी साहब, और सिंधु भी उसी दिन आई थी और उसी दिन उसने अपॉइंटमेंट दी और दोनों मिले, उसको आशीर्वाद दे दिया। यहाँ मैसेज यहाँ पर कहाँ है, अभी लड़की हमारी एक मेडल आई अभी रिसेंटली, किसी ने उसको पूछा भी नहीं, कब भी नहीं पिलाया होगा चाय का कि वो ठीक है, क्या मेडल आया, जेस्चर की बात है, जेस्चर मतलब एक, अगर कोई जाता, कोई छोटा सा बंदा जाता घर उसके, भाई मुबारक आपको, फूल का वो देता उसको देता, तो वो भी बेचारे एनकरेज होती, कोई नहीं गया, तो कहाँ है स्पोर्ट्स सर। तो हाँ भैया, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज है, प्रमोशन पॉलिसीज है, स्पोर्ट्स पॉलिसी है वहाँ पर, हाँ अगर वहाँ पर वो चीज़ें आ जाए तो यहाँ पर लागू हो जाए तो मुझे लगता है सर फिर तो बड़ा अच्छा स्टेप है ये, तो फिर बहुत बढ़िया स्टेप है। जैसे अतुल जी ने बोला एस आर ओ खत्म हो जाएगा, एस आर ओ तभी होगा खत्म अगर, चलो एस आर ओ खत्म हो गया, द मोमेंट ऐसा स्पोर्ट्स पॉलिसी फ्रेम हो जाएगी, हमारा स्पोर्ट्स का सारा कल्याण हो जाएगा यहाँ पर, मतलब जो हमारे जो कमियाँ थी वो सारी दूर हो जाएगी जब एक स्पोर्ट्स पॉलिसी बन जाएगी। बट एक प्यार ऐसे मतलब पूरा डिस्कस करके, पूरा जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो बैठे उसको डिस्कस करके बना के एक फ्रेम करे और गवर्नमेंट से अप्रूव ले वो आ जाए। बाकी हमारा सर जैसे एकेडमीज का मैंने बोल दिया आपको, एसोसिएशन का प्रोजेक्ट ऑफिसर्स नहीं है, जैसे हमारे यहाँ पर अभी यूथ सर्विस अगर दोनों मर्ज हो गए, अथॉरिटी बन जाए, जो वहाँ पर डायरेक्टर्स हैं, स्टेट डायरेक्टर्स हैं, उनको तीन तीन चार चार एरियाज का, जैसे डिस्ट्रिक्ट है हमारे, पता नहीं यूटी के बाद डिस्ट्रिक्ट रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बट अभी मैं बोल रहा हूँ कि 4-4 डिस्ट्रिक्ट क्लब करके रीजन बनाते, रीजनल डायरेक्टर बनाते वहाँ पर, एक हेडक्वार्टर बनाते वहाँ पर, प्रोजेक्ट ऑफिसर 5-7 लगाते और रीजनल डायरेक्टर बनाते और स्टेट डायरेक्टर बनाए, तो वर्किंग बन जाएगी ना। ये नहीं है कि मैं पूंछ बोलूँगा जी वुशु पूंछ में भी चला दो, स्पेशल एरियाज गेम्स कर दो कि पूंछ में गेम क्या है, वहाँ पर आपका टैलेंट किस में है, तो वो गेम डेवलप करो वहाँ पर। तो हम क्या लगे हैं कि हर जगह हम वो फैला रहे हैं तो गेम हो नहीं रहा है। अभी सर दिखाऊँ कि हमारा अभी जैसे कैलेंडर निकलता है इसका, 22 डिस्ट्रिक्ट्स थे हमारे, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिट टेरिटरी से पहले, 22 डिस्ट्रिक्ट्स थे मेरे, 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और मुझे ग्रांट मिलता है 10 डिस्ट्रिक्ट का, क्यों, अगर मेरे 22 है तो 12 कहाँ जाएंगे, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कौन करेगा, तो फिर करप्शन तो यहीं पर तो पैदा होती है करप्शन। तो फिर मैं बोलूँगा 12 डिस्ट्रिक्ट से खुद ही करो वो बच्चे से जो भी लेने, तो अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा इसकी। तो बाकी मेरे 22 है, फील्ड में जाओ, मेरे को बुलाओ भाई, अपना एक्शन प्लान बता दो इस साल का क्या रहेगा, मैं पूरा प्रपोजल बना के जाऊंगा, पूरा डिस्कस करूंगा कि पूरा विद प्रूफ कि मैंने ये डिस्ट्रिक्ट्स किए हैं, ये मेरे पार्टिसिपेशन, ये मेरी ये स्ट्रेंथ है, मेरा कैलेंडर ये है, मेरा फॉरेन एक्सपोजर्स ये है, ये मुझे दे दो। तो यहाँ पर वो चीज़ें तो होती नहीं है, यहाँ पर बस वर्का में दिया कैलेंडर दे दिया तो वो अप्रूव हो जाएगा, तो इससे स्पोर्ट्स नहीं होगा सर। आपने पूरा ग्रास रूट पे वर्किंग करनी पड़ेगी, ग्रास रूट पे काम करना पड़ेगा, जो हमारे जो ग्रूम मतलब जो ग्रोइंग बच्चे हैं
9 से लगभग 14 साल के बच्चे हैं, उनको ग्रूम करो ना आप, अकेडमीज बना दो, अकेडमीज बना दी, 5-6 अकेडमीज बना दी हमारी, मतलब अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मार्शल आर्ट को दे दिया, बट वायर इज J&K, J&K के लिए स्पेशल पैकेज है कि J&K की तरफ से कोई आ जाए उनको हम दे देंगे, बट नोबडी इज गोइंग देयर। अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एज मतलब एक मेंबर भी था और मैं स्पोर्ट्स पर्सन, मैंने स्पोर्ट्स काउंसिल 10,000 बार मैंने गया, मैंने कहा यार यू अपॉइंटेड कोई 4-5 बंदों का एक ग्रुप बना दो जो मिनिस्ट्री और साइसलाइज करे, बेहद देर आर सो मेनी स्कीम्स जो यहाँ पर पता नहीं चलता लोगों को, MHA की स्कीम्स है, मिनिस्ट्री की स्कीम्स है, अकेडमीज है, जैसे अकेडमी बननी है जैसे स्टेट अकेडमी बनेगी, यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स अकेडमी बना सकता है, उसमें 80-20 रेशियो है, 80 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, 20 इनको देना, बट नोबडी इज टेकिंग इनिशिएटिव, तो डेवलप कैसे स्पोर्ट्स? सबसे बड़ी बात है वो क्यों बनाएंगे, उनको अपनी सैलरी मिल रही है, उनको स्पोर्ट्स के साथ क्या कंसर्न है? पंडित जी, क्या बाबूगिरी या फिर रेड टेबिज्म यहाँ पर हावी हो रहा है स्पोर्ट्स पे? निश्चित तौर पर, देखिए जब तक आप एक क्रेडिबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे, जब तक आप एक टारगेट फिक्स नहीं करेंगे, तब तक कुछ कोई चीज़ नहीं हो सकती। आज बड़े कम कोचेज हैं जो अपनी नौकरी को सिर्फ नौकरी समझते हैं, वो अपना एक मिशन लेके चलते हैं, ऐसे कोचेज बड़े कम, उनको विक्टिमाइज किया जाता है, आप उनके नाम ले सकते हैं, उनको भी विक्टिमाइज किया जाता है, उनको भी विक्टिमाइज किया जाता है, क्योंकि उनको सिस्टम का हिस्सा बनाने की कोशिश की जाती है, जब वो रिवोल्ट करते हैं या रिटेलिएट करते हैं तो उनको मार्शलाइज किया जाता है। अब देखिए, मैं बतौर एक स्पोर्ट्स प्रमोटर या एक स्पोर्ट्समैन ये समझता हूँ कि जितने भी गेम्स हैं, जैसे हांडू साहब ने कहा कि आप उनको इंसर्कल कीजिए कि J&K इस वक्त नेशनल सिनेरियो पे किन किन गेम में एक्सेल कर रहा है, बिल्कुल आप उनको उनके हिसाब से उनकी उनकी फंडिंग कीजिए। सबसे पहली और अहम बात तो यही है कि सारा कुछ आ जाके खत्म होते हैं फंडिंग के ऊपर। जब तक आपके पास फंड्स नहीं है, जब तक आपके पास ग्रांट नहीं है, कोई भी गेम जो है वो फ्लरिश नहीं कर सकती। बाबूगिरी का आलम यह है कि अगर किसी की स्पोर्ट्स काउंसिल में जान पहचान ज़्यादा है तो उनके बिल जल्दी क्लियर हो जाते हैं, उनकी ग्रांट्स उनको ज़्यादा मिल जाती हैं। अब आप देखिए, हमारी अगर 2,00,000 फुटबॉल एसोसिएशन की 2,00,000 रुपये साल की ग्रांट है, जम्मू जैसे डिस्ट्रिक्ट की जिसमें हम 3 टूर्नामेंट्स मेजर करवाते हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की हमारी एनुअल ग्रांट 30,000 है, जबकि हमारी एक टूर्नामेंट का खर्चा 2-3 लाख रुपया है। और हमको 3 टूर्नामेंट्स करानी है और 3 डिविजन में करानी है, सब जूनियर लेवल, जूनियर लेवल, सीनियर लेवल, कश्मीर में तो 4 लेवल है। अब अगर हम लोग हाथ पांव ना मारें इधर उधर से, अपने कुछ स्पॉन्सर्स, कुछ दोस्त, कुछ जान पहचान के लोगों को ना पकड़ के लाएं, तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, सर्वाइवल मुश्किल। ये तो हमारी एसोसिएशन के लोगों का है कि हमारी एसोसिएशन बहुत बड़ी है, हमारे पास प्लेयर की रजिस्ट्री इन थाउजेंड्स है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट भी चल रहे हैं। तो अब देखिए, जम्मू को अगर 30,000 आप देंगे, सांबा को आप 10,000 देंगे, कठुआ को 10,000 देंगे, आप बताइए 10,000 में टूर्नामेंट में बच्चों को रिफ्रेशमेंट देंगे, आप उसमें ग्राउंड मार्किंग करवाएंगे, ग्राउंडमैन को पैसा देंगे, ग्राउंड भी तैयार करनी है, फुटबॉल देंगे, उनको यूनिफॉर्म देंगे, उनको रिफ्रेशमेंट देंगे, कहाँ से देंगे? तो ये एक धक्काशाही काम है। जब तक ये धक्काशाही नहीं चलेगा, इसके लिए एक कॉन्क्रीट और सीरियस पॉलिसी बननी पड़ेगी और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगा। आप 2 करोड़ की बिल्डिंग खड़ी करते हैं, लेकिन उसकी मेंटेनेंस के लिए साल का 2,00,000 रुपया भी ना अगर रखें तो 10 साल में वो बिल्डिंग भी खंडर बन जाएगी। ये स्पोर्ट्स लिटरली खंडर बन रहा है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि इनको अगर आप एक बिल्डिंग किराए पे लेते हैं, उसके अंदर प्रोविजन है कि हर साल में 10% आपको एनहांस कर रहे हैं उसका रेंट। तो आप ग्रांट, पिछली ग्रांट है मेरा ख्याल बाबा आदम के ज़माने से चल रही है, बच्चों को अगर 20 रुपये मिलते थे, आज भी 20 ही मिल रहे हैं, वो भी अगर बच्चे बेचारे रोते हैं कई डिस्ट्रिक्ट को आपको मिलती नहीं रिफ्रेशमेंट, क्या करेंगे एसोसिएशंस? जब आप 30,000 रुपये उनको साल की ग्रांट देंगे, उनकी एक टूर्नामेंट का खर्चा 3,00,000 रुपया है, उनको 3 टूर्नामेंट 4 करवानी है, वो तो फिर कुछ ना कुछ दाएं बाएं से कुछ इसका हिस्सा खींच के उधर डालेंगे, कुछ अपने से डालेंगे। तो ये सारा सिलसिला जो है, ये एक धक्का मार गाड़ी वाले सिस्टम से चल रहा है। आपको इनसर्कल, आप ज़्यादा गेम्स को मत कीजिए रिकॉग्नाइज, ऐसी ऐसी एसोसिएशन यहाँ रिकॉग्नाइज है जिनको कोई पूछता नहीं है, वो भी चल रही है। किसके लिए आप बना रहे हैं एसोसिएशन इतनी, जिसका रिश्तेदार काउंसिल में उसको रिकॉग्निशन मिल रही है, उसको एफिलिएशन मिल रही है। भाई आपने कैटेगराइज किया है, ये 3 गेम मेजर गेम्स हैं और ये 4-6-10-12-15 गेम्स को आप पहले उन पर फोकस कीजिए। आपका स्पोर्ट्स का इतना फंड है, आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए बराबर, ताकि उनके रिजल्ट देखिए पहले क्या है। जब आपकी फंडिंग एनहांस हो जाएगी, आप और एसोसिएशन को लाइए, और यहाँ एक एक एसोसिएशन की 4-4 वहाँ फैक्शन बने हुए हैं, हर चौथी एसोसिएशन की तो पैरेलल एसोसिएशन यहाँ बनी हुई है, लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही। आप नोटिस पे नोटिस निकाले जा रहे हैं जी, नोटिस दे रहे हैं जी, इलेक्शन करवाइए। देखिए इस, और सबसे बड़ी बात जमाल साहब की बात की मैं तायद करता हूँ कि जब तक आप स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं लाएंगे, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। एक ब्यूरोक्रेट आएगा, उसको अपने 2 साल निकालने हैं, वो किसी तरीके से अपने 2 साल निकालेगा, वो कॉन्फ्रंटेशन किसी से नहीं लेगा, कहेगा जी मेरे 6 महीने रह गए, मैं निकालूं और निकलूं यहाँ से। आप स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के लोग, आपके पास कितने लोग पुलिस में हैं जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वो बेचारे
बैठी है कोई आर्मर में बैठा है, कोई ऑक्सिलरी फोर्स में बैठा है, कोई बटालियन में बैठा है। बंटी जी इतने दूर क्यों जाते हैं? दुशांत शर्मा इज इंटरनेशनल प्लेयर। ऐसे ऐसे खिलाड़ी हमारे पास इतने इतने, मैं कहता हूँ इतने स्टार्स हमारे पास इंटरनेशनल बने पड़े हैं जो आज अपनी अपनी एज ए प्लेयर अपनी वो इनिंग्स खेल चुके हैं। आप उनकी सर्विसेज लीजिए भाई। बिल्कुल। काउंसिल आप कंसिडर करते हैं तो काउंसिल में आप 4-6-10 बंदे सही लाते हैं, बाकी पॉलिटिकल लोगों को ले आते हैं, बिजनेसमैनों को ले आते हैं जिनका कोई काम नहीं। मैं अब नाम क्या लूंगा, लेना नहीं चाहिए नाम, लास्ट मोमेंट तक नाम कटते हैं इधर लोगों के, कई लोगों के गले काटे गए हैं, पॉलिटिकल विक्टिम उसके चक्कर में विक्टिमाइज कर दिया जाता है। और आप जब तक काउंसिल में आपके पास 10 गैलेक्सी भरे, आपके पास यू व्हेन यू हैव अ गैलेक्सी ऑफ इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर्स सिटिंग इन द मीटिंग ऑफ द काउंसिल, मैं कहता हूँ कहाँ चीफ मिनिस्टर या कोई ऊपर का ऑफिसर उनके बाहर जाके उनसे बात कर पाए। लेकिन जब आप अपने ही लोगों को बिठाएंगे वहाँ पर, अपने यस मैन लोगों को बिठाएंगे, वो अभी ये बात सुनेंगे और आप उनकी सुनेंगे। तो कोई बात नहीं करता जब स्पोर्ट्स काउंसिल, अब ये लोग हैं, दो लोग हैं काउंसिल में, इनकी इनकी बात दब जाती है वहाँ पर। विवेक जी एक छोटा जैसा इसमें इंसिडेंट मेरे को याद आया, क्रिकेट एसोसिएशन का एक बड़ा सीनियर लेवल का ऑफिस बेयरर था, मैंने उसको एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा स्क्वायर लेग कहाँ होता है, कहते जी चुप करो जी क्या कह रहे हैं, ये तो हालात है। अतुल जी मैं एक बात और, देखिए आप पिछली 10-15 साल की जो स्पोर्ट्स काउंसिल के मेंबर्स की लिस्ट निकाली, आपको 8-10 चेहरे वो मिलेंगे जो हर बार रिपीट हुए और उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। अगर आपका पूरा स्पोर्ट्स सिनेरियो बिल्कुल डाउनग्रेड हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो सबसे पहले उन लोगों को शंट आउट कीजिए जिनका कोई परफॉर्मेंस नहीं है, जो काउंसिल में रहे वो कुछ नहीं कर पाए, सबसे पहले उनको बाहर निकालिए, फिर आप उन लोगों को लाइए, एक व्हाइट पेपर इशू कीजिए, भाई ये हमने कुलदीप हांडू को बनाया था, कुलदीप हांडू की ये पूरी अचीवमेंट्स है, हमने अगर अतुल पंगोत्रा को बनाया तो ये इसकी अचीवमेंट्स है, ये जमाल साहब की अचीवमेंट्स है। आप चुप चुपीते रात के अंधेरे में लिस्ट बनाते हैं, सुबह तक लिस्ट 3 बार चेंज हो जाती है, लास्ट मोमेंट में पता नहीं चलता लिस्ट निकलती है, वो यस मैन लोग आ जाते हैं, तो स्पोर्ट्स का भला होगा कहाँ से। एडवाइजर्स लेने चाहिए थे स्पोर्ट्स के जो बेस्ट हो। अतुल जी यहाँ पर आपने बात की है, एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि फंडिंग की, जिस तरह आपने कहा कि रियल कश्मीर को 2 करोड़ या फिर 4 करोड़ जितना भी अमाउंट दिया गया, और कहीं जो जेन्युइन स्पोर्ट्स हैं उनको पैसे तक नहीं दिए जाते, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए पैसे नहीं दिए जाते, और फिर जो पेरेंट्स हैं आपने से पूल करके इवेंट्स को आगे बढ़ाते हैं, ये दुश्वारियाँ किस प्रकार दूर हो पाएंगी? दूर करना तो ये कहते हैं ना, ये तो जो राजा है उस, जैसे आपने बताया कि जो राजा के सलाहकार ये अच्छे नहीं होंगे तो कैसे, देखिए जो भी आता है नया सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल आता है कहीं आए, कहीं डीजी स्पोर्ट्स आए, बट जब जो सभी ने बोला कि जो ऊपर बैठा हुआ है वो अच्छा आना चाहिए, स्पोर्ट्समैन आना चाहिए, लेकिन जो नीचे की उनके जो सलाहकार हैं, सलाहकार तो वही रहते हैं, सलाहकार तो ऑफिस में बैठे हुए हैं, कोई सीनियर असिस्टेंट है तो कोई जूनियर असिस्टेंट है, कोई ये वही लोग उनको सलाह देते हैं, कभी किसी ने मीटिंग नहीं की। मीटिंग होती है, एक चाय का कप है बस, एक कॉन्फ्रेंस रूम में होता है, साल में 2 बार कितनी बार सुनवाई हुई, कितनी बार ये हांडू सर कितनी बार मेंबर स्पोर्ट्स काउंसिल रहे होंगे, जम्वाल सर कितनी मीटिंग अटेंड की होगी, कितनी बार बंटी सर ने कितना किया होगा, लेकिन इनके पास एक्सपीरियंस है। मैं तो कभी मीटिंग अटेंड नहीं की, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं वहाँ पर, क्या बात होती है, हमें तो सुनाई सुनाई बातों में ही पता चलता है कि ये हो गया, लेकिन हम सोचते हैं कि इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ें बड़ी मुश्किल है। मोस्टली जो एसोसिएशन ज़्यादा जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है जिनका, वो लोग जैसे अभी संसद में एक मिनिस्टर थे, अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी स्पीच दी कि हर एक स्पोर्ट्स फेडरेशन में एक मंत्री बैठा हुआ है कई मोस्टली वो बनाने का। देखिए मंत्री ने कभी क्रिकेट नहीं खेला या किसी ब्यूरोक्रेट ने नहीं खेला होगा, कोई गेम्स ऐसा नहीं खेला होगा ना, उनको तब भी क्यों बनाया जाता है? सर फील्ड में तो हम लोगों ने भी काम किया है, स्पोर्ट्स में तो हम लोग हैं, हमें कोई एसोसिएशन वाला नहीं बनाता, कहीं हमारे जो एक्स स्पोर्ट्स पर्सन है उनको कोई नहीं बनाता क्योंकि उनसे बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ से फ़ोन जाएगा हमारी ताइक्वांडो एसोसिएशन में, कोई भी पॉलिटिकल या बड़ा ब्यूरोक्रेट नहीं है जो उनको फ़ोन कर सके और बोले कि ग्रांट की बात रही है, रही बात ग्रांट के लिए ना, तो ग्रांट हमें कहाँ से मिलेगी? ग्रांट तो दूर की बात, हमारे जो नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स, मेरे पास भी है प्रूफ, मैं आपको बताऊंगा, हमारे बच्चे 5 खेल के आए विदाउट किसी सपोर्ट के, फाइनेंशियल सपोर्ट, पहले भी कितने खेल के आए विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट, मैं भी खेल के आया विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट, लेकिन नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स, अभी एक गेम के बारे में मैं सुन रहा था कि वो भी SRO 349 में आई है, मुझे लगता वुशु कई सालों से SRO में थी, मैंने खुद वुशु में SRO लिया, कई सालों के बाद SRO में आई, कई एशियन गेम्स होने के बाद, तो एक नई गेम थी पेंचाक स्लेट,
मैंने उसका नाम पढ़ा और कई गेम में, मतलब ये याद नहीं आ रहा, मार्शल आर्ट की बात कर रहा हूँ, तो गेम वो आज नहीं नहीं आई है, आज उसको फर्स्ट टाइम जकार्ता एशियन गेम्स में आई, मुझे तो नाम बोलना भी नहीं आता था, तो वो वहाँ की मार्शल आर्ट था तो उसको इंक्लूड किया गया। आज मैंने तब देखा ऑलमोस्ट अगर यूटी नहीं बनता तो वो अप्रूव हो गया था, और एसआरओ 349 आने वाले सालों में यही जो 6-7 गेमें आई उसमें तो वही एसआरओ में होते हैं, ओलंपिक गेम्स या एशियन गेम्स नहीं होती। जो ओलंपिक गेम्स यहाँ पर कोई सिस्टम पता नहीं, ओलंपिक के लिए लड़ते हैं लोग, हरियाणा चले जाओ, दूसरी स्टेटों पर चले जाओ, वहाँ ओलंपिक मेडल के लिए लड़ते हैं, ओलंपिक मेडल के लिए करोड़ों रुपया दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि उनके लिए उनको पता है वैल्यू। हर कंट्रीज में चले जाइए, ओलंपिक मेडल उनका मिशन होता है। एक कंट्री देखिए, कंट्री को हम दो ही चीज़ों से जीत सकते हैं, या तो जंग लड़के या फिर मेडल लेके, तभी कंट्री का नाम होता है कि हाँ उस कंट्री ने ये किया। हम लोग तो मेडल के बेस पे इंडिया को ऊपर ला सकते हैं ना, जब ईरान जैसी छोटी कंट्री, अफगानिस्तान जैसा छोटी कंट्री मेडल ला सकती है। CIV एक छोटी सी कंट्री है, आज तक नाम नहीं सुना था उसका, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है उसका ताइक्वांडो में। तो ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज लड़ती हैं अपने फ्लैग के लिए, हमारे यहाँ पर तो कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है। एम्प्लॉयज़ हम नौकरी दे देते हैं, ऐसा रोती है, मैंने पहले ही बोला था, हम उनको नौकरी दे देते हैं, उनका कैरियर ख़त्म कर देते हैं। पहले मैं फ्री था, मैं कहीं भी जाता था, फ्रीडम थी मेरे को, प्रैक्टिस करने की फ्रीडम थी, मुझे जाने की फ्रीडम थी। लेकिन आज की डेट में अगर बोला जाए, मैं हर स्पोर्ट्समैन सफ़र कर रहा है जो एक जेन्युइन, आज की डेट में अगर हम लोग बोलेंगे ना यस सर, उन्होंने बोला आप लोग आपको वहाँ पर ऑफिस में जाना है, ये एक्टिविटी करवानी है, यस सर ठीक है। मैं अगर बोलूँगा, सलाह देने की कोशिश करूँगा तो फिर दिक्कत होगी। मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्टेड हूँ, मैं इस प्रोग्राम में भी हूँ, मुझे पता है, मैं अभी भी कुछ चीज़ें नहीं एक्सप्लेन कर सकता। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, हम जॉब तो मिल जाती है हमें, SRO 349 जब हमें जॉब दी, मेरे मदर फादर अगर मुझे फोर्स नहीं करते तो मैं कहीं बाहर ही होता, आउट ऑफ कंट्री था मैं उस समय भी। तो मैंने जॉब ली थी, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट लिया था, हंसते हंसते लिया था कि ठीक है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मिल गया, मेरे पास ऑप्शन थी, फॉरेस्टर की भी ऑप्शन थी, लेकिन मेरे अंकल ने मेरे को बोला कि ये अच्छी है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में था, तेरा कैरियर बनेगा पूरा, ज़िंदगी भर तू स्पोर्ट्स करेगा। लेकिन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में कैस कितने ही SRO 349 में बंदे आए हुए हैं, कौन कंटिन्यू स्पोर्ट्स कर रहा है? मुझे क्वेश्चन पूछा जाता है, यार तू खेलता भी है? मैंने खेलना बंद कर दिया लास्ट ईयर, ठीक है। मुझे बोला कोचिंग कर रहा है, मैं कोचिंग के साथ मैं रेफरी भी करता हूँ, ठीक है। अपनी हम सारे जितने भी हैं, एक स्पोर्ट्समैन है उसके लिए कोई फैमिली की खुशी नहीं है, उसके लिए कोई शादी, कोई फंक्शन कुछ नहीं है, उसके लिए उसकी प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है। कई फंक्शन हो गए, इनको पूछो कितने फंक्शन होंगे इनके, कई बड़े बड़े फंक्शन होंगे, या कितनी घर में खुशी होगी, ये छोड़ के कई दिवालियाँ बाहर मनाई होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, स्पोर्ट्समैन को लिए जाने के लिए अभी परमिशन लेनी पड़ती है पहले। हाँ जी, परमिशन लेने के लिए, जब तक परमिशन बनेगी ना, चैंपियनशिप ख़त्म होकर दूसरी चैंपियनशिप आगे होती है, तो हम करें क्या? आने के बाद एक्सप्लेनेशन निकलेगी। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि एटलीस्ट स्पोर्ट्स पर्सन को या तो आप जॉब बंद कर दो देना, स्पोर्ट्स पर्सन को उनको प्राइवेट काम करने दो, प्राइवेट स्कूल ज़्यादा पैसा दे देंगे जितनी ये सैलरी देंगे हमें, या तो उनको फ्रीडम दे दो कि भाई आप स्पोर्ट्स को ऑनेस्टली प्रमोट करो। हमसे रिजल्ट पूछा जाता है कि आपने काम क्या किया, हम ये बोलते हैं कि हम काम करते हैं, हमारा काम है, हमारे बच्चे इतने इंटरनेशनल खेल के आए हैं, इतने नेशनल मेडल आए, उससे कोई मतलब नहीं। वो बोलते हैं आपने कितनी स्ट्रेंथ इकट्ठी कर ली, अब क्वांटिटी में से ही क्वालिटी निकलती है, हमें मालूम है हम मेहनत कर रहे हैं, हम उसमें से प्लेयर निकाल के लाते हैं, लेकिन हमें रिवार्ड नहीं दिया जाता। कोच को हमेशा आज पूछना इनको कितना पैसा मिल गया होगा, इनके बच्चों ने एशियन गेम्स में मेडल लाए, एशियन चैंपियनशिप, इनको कितना मेडल पैसा मिल गया, या इनको कितनी बार, हाँ बच्चों के साथ जाएंगे, इनको पूछा जाता है हाँ भाई कितनी प्रमोशन होगी, आज भी इंस्पेक्टर ही इनके साथ के आगे बढ़ गए होंगे जब ये लगे हैं, क्योंकि मेरे साथ खेले हो, इनको पता, मुझे लगता है मैं स्कूल में पढ़ता था तब से ये सब इंस्पेक्टर देख रहा हूँ। तो कहाँ प्रमोशन पॉलिसी कहाँ है, कौन पूछ रहा है इनको? अगर यही किसी दूसरे स्टेट में हम लोग बैठे होते तो वहाँ पर हमें रिवॉर्ड दिया जाता, बोला जाता और अच्छी अच्छी ऑफर आई होती। मैं साई छोड़ के आया हूँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में स्टेट के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है ना, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक सेंटर गवर्नमेंट वो था, गस्टेड पोस्ट छोड़ के आया मैं, एक टीचर लगा हूँ यहाँ पर, लेकिन यहाँ आने के बाद भी हम लोगों को कौन पूछ रहा है? एक्सपोर्ट्स, मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, यूटी हो चाहे स्टेट हो, हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम स्पोर्ट्स मैन, हमारे लिए सारा बराबर है, हमारे लिए एक देश है। अतुल जी, दिल से आपने बहुत चीज़ें बोली हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात की ना केवल एक स्पोर्ट्स पर्सन इस पूरे माहौल में, बल्कि जो स्पोर्ट्स प्रमोटर हैं या कोचेज हैं उनको भी आज मोटिवेट और रिकॉग्निशन देने की आवश्यकता है, तब जाकर पूर्णतः एक विकास होगा। सर, वी आर शॉर्ट टाइम, ब्रीफली योर रिमार्क्स। सर, इन शॉर्ट, जो आजकल विवेक जी ने स्टार्ट किया है ना, फिट इंडिया मूवमेंट, मैं चाहता हूँ, आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल गवर्नर एंड एडवाइजर स्पोर्ट्स टू स्टार्ट #फिट JNK लद्दाख मूवमेंट इन JNK स्टेट, इन शॉर्ट्स।
इस पे कोई दो राय नहीं है कि रियासत जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो रेड टेपिज्म यहाँ पर बाबूगिरी और जो नॉन प्रोफेशनल प्लेयर्स जो हैं जिनको खेल से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, वो दे आर इन द हेल्म ऑफ अफेयर्स और अकाउंटेबिलिटी ना होने के कारण आज स्पोर्ट्स यहाँ पर सफ़र कर रहा है। टैलेंट की कोई कमी नहीं है, अपने लेवल पर यहाँ के जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं दाग जमा रहे हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अरीना में। ज़रूरत इस बात की है कि 31 अक्टूबर जब पूर्णतः रियासत जम्मू कश्मीर एक यूटी बनेगी, तब जाकर जो एक ब्लॉकेट्स है जो चैलेंजेस हैं उनको दूर करने की आवश्यकता है और रियल सेंस में यहाँ पर मिशन स्पोर्ट्स को इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, ताकि रियासत जम्मू कश्मीर का जो स्पोर्ट्स पर्सन है जो कोच है अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना कर सके, बल्कि राष्ट्र के साथ आगे बढ़कर रियासत जम्मू कश्मीर यानी कि उस वक्त यूटी का नाम रोशन कर पाए। के जमाल साहब, कुलदीप हंडू जी, सुरेंद्र सिंह बंडित जी और अतुल जी, आप इस विषय पर चर्चा के लिए आपने कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।